वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। आ कुछ दिन पहला मेरे ते एक सवाल आया सी भी की असी गुरबाणी का पाठ करन वक्त, असी नितनेम का पाठ करन वक्त जां फिर गुरबाणी का सहज पाठ करन वक्त किसी दूसरे तीसरे नाल कोई गलबात कर सकते हाँ जां नहीं। तो इस विषय के संदर्भ में साध संगत मैं बहुत ही टुक मात्र संखेप दे विच आज आप जी दे नाल जानकारी सांझी करांगा जी। इनू सुनो ध्यान नाल। साध संगत इस गल नू याद रखो, मैं आप समूह संगत नू यही सुजैसट करना चाहांगा भी जदों भी तुसीं गुरबाणी का पाठ करते हो, नितनेम का पाठ करते हो जां फिर गुरबाणी का सहज पाठ करते हो, तो हमेशा यही कोशिश करिया करो भी गुरबाणी का पाठ करन लग्गिया असी किसी दूसरे तीसरे नाल गलबात ना करिए तो चंगा है। क्योंकि साध संगत इस गल नू याद रखो भी जदों भी गुरबाणी का पाठ करो तो उस समय पूरी इंटेंशन दे नाल, पूरे ध्यान दे नाल, पूरी एकाग्र बिरती दे नाल साध संगत गुरबाणी का पाठ करो, चाहे नितनेम का पाठ चाहे सहज पाठ, अते संकोच करो विचकार किसी दूसरे तीसरे नाल गलबात करन विच। हाँ, जेकर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई बहुत ही इंपोर्टेंट गलबात है, कोई तुहानू विचकार कोई टोक रहा है, कोई एमरजेंसी गल करना चाहुंदा है, तो हाँ उस स्थिति दे विच मैं बेनती करना चाहांगा भी तुसी गुरबाणी का सहज पाठ करते वक्त जिहड़ा है शब्द जिथे समाप्त होएगा, शब्द एक बार एक दफ़ा तुसी पूरा पढ़ लो ते शब्द समाप्त करके उत्थे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बुला के सेंची साहब के उत्ते रुमाला साहब दे के जां फिर गुरु ग्रंथ साहब उत्ते रुमाला साहब दे के उस समय उत्थे जिहड़ी है तुसी विचकार गलबात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ, कोई दिक्कत नहीं आ। हाँ, नितनेम करन वक्त भी जिहड़ा है जे कोई बहुत वड्डी एमरजेंसी है उस स्थिति विच जरूर तुसी जिहड़ी आ गलबात कर सकदे हो, पर हमेशा यही संकोच करो कि असी गलबात ना करिए बल्कि पूरी अटेंशन नाल, पूरे ध्यान नाल, पूरे तवज्जो नाल असी गुरबाणी का पाठ जरूर करिए। क्योंकि जिनी अटेंशन नाल असी गुरबाणी पढ़ांगे जी उन्नी ही जिहड़ी आ गुरबाणी की सानू समझ लगेगी, साडा मन उत्थे टिकेगा। जेकर असी अटेंशन नहीं देवांगे, असी प्रॉपर ध्यान नहीं देवांगे तो उस वक्त फिर उस स्थिति विच की होवेगा भी सानू पता ही नहीं लगेगा भी कदों असी गुरबाणी का पाठ शुरू किया है तो कदों गुरबाणी के पाठ की असी समाप्ति कर दी आ। गल्लां बातां करन विच कोई प्रॉब्लम नहीं आ, पर हमेशा सानू मैं यही सुजैसट करांगा अखीर ते फिर तुहानू भी संकोच करना चाहीदा है। एमरजेंसी की स्थिति कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर उत्थे एक गल ख्याल से रखो भी सहज पाठ करन लगे शब्द जिहड़ा वा वो तुसी एक दफ़ा पूरा पढ़ लेना है, शब्द पूरा करके फिर फतेह बुला के फिर रुमाला साहब सेंची साहब के उपर दे के जां गुरु ग्रंथ साहब के उपर दे के फिर तुसी गलबात करो, फिर गलबात करन तो बाद जिस शब्द ते तुसी छड्डिया उस तो अगे तुसी सहज पाठ शुरू कर दियो। तो साध संगत आप समूह सिख संगता का तह दिलों धन्यवाद जी। अज का यह प्रोग्राम आप जी पसंद आया हो लाइक जरूर करो, कमेंट करके अपने विचार जरूर दियो, वो तो वह सिख संगत जरूर शेयर करो जी। सारिया संगत का तह दिलों धन्यवाद। आखो जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।